हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? सब लोग स्टडी कर रहे होंगे ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी के लेक्चर में हम पिछले कई लेक्चर से बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लास्ट लेक्चर्स में हमने मेटाबॉलिज्म और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे टॉपिक्स हमने वन बाय वन डिस्कस किया है। ये टॉपिक डिस्कस करने का बस एक और एक ही मकसद है कि हमारे जो बायोलॉजी के एनसीईआरटी के जो 38 चैप्टर है, जो नीट के लिए आपको जरूरी है, वो चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आए। इस मकसद के चलते मैं ये बेसिक लेक्चर ले रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था कि मैं 10 से 15 कुछ ऐसे लेक्चर्स लूंगा जो आपको 38 चैप्टर के लिए जरूरी है। उसमें से कुछ लेक्चर्स तो अभी हमारे हुए, उन लेक्चर्स को और आगे जो लेक्चर होने वाले हैं उसको मैंने थोड़ा सा कंडेंस कर दिया हूं ताकि जल्दी से जल्दी हम एनसीईआरटी पे जंप कर सकें। ओके, तो आप लोगों ने ये लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है और मुझे ग्रुप में क्वेश्चंस करना है अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा हो तो। ठीक है, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए आप लोग, घर पे सेल्फ स्टडी करिए, बुक्स परचेस कर लिए। ठीक है, अगर बुक्स नहीं है तो कुछ स्टडी मटेरियल के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कुछ पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की। ठीक है, कुछ दिन से लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे लेक्चर्स मैंने पीपीटी पे आपको दिखाया, उसका मकसद ये था कि क्लास पे आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ओके, फिर भी कुछ लेक्चर्स डायरेक्टली हम ऑनलाइन जूम पे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ लग रहा है तो एक आध दो लेक्चर वैसे भी रखेंगे कि फेस टू फेस हम डिस्कशन कर सके, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई थी। ठीक है, आज जो टॉपिक डिस्कस करना है, ये दो तीन टॉपिक है हमको डिस्कस करना है। केमिकल बॉन्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और बायोलॉजी स्टडी। वन बाय वन हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी जो लाइफ है हर इंसान की, हर प्लांट की और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की लाइफ मैटर से बनी है। मैटर से बनी है मतलब मॉलिक्यूल से बनी है। हमारे बॉडी के और कोई भी ऑर्गेनिजम्स के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स अगर हम देखा जाए तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे जो मेजर एलिमेंट है। ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में खास तौर पे मोनोसेक्राइड की बात की जाए तो उसमें आएंगे हमारे अमाइनो एसिड्स और बहुत सारे शुगर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे सब एलिमेंट्स आएंगे जो फैट का कंस्ट्रक्शन करेंगे, अमीनो एसिड प्रोटीन्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट का कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि पॉलीसेकेराइड है। इन प्रोटीन से फिर स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट से भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ओके, तो ये मेजर एलिमेंट्स है जिसको हम ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के साथ साथ और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिसको हम ट्रेस एलिमेंट और माइनर एलिमेंट्स बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे और बहुत सारे मेटल्स होंगे जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का हिस्सा है, बॉडी का पार्ट है। तो इन सब एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनती है, मतलब किसी भी जानदार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसको मैंने मेटाबॉलिज्म के नाम से आपको समझाया था। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का चैप्टर आपको डिटेल में पता है। इन केमिकल रिएक्शंस होने के लिए बहुत सारे हमको केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों। उस कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे। अब यहां पर रिएक्शंस होने के लिए ये एंजाइम्स कोई भी बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, नए बॉन्ड को फॉर्म होने में हेल्प करेंगे, मतलब ये एंजाइम्स बॉन्ड ब्रेकिंग में और बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के अगर हम स्टडी किया जाए, कोई भी मॉलिक्यूल की स्टडी किया जाए तो वो छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे कि वाटर की एग्जाम्पल ले लो, सिंपल, वाटर में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, मतलब ये
कि स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स ये कोई भी एलिमेंट कोई भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे डिटेल में, ये मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूंगा कि बेसिकली जो बॉन्ड के टाइप होते हैं, वैसा तो सात अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के टाइप है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर मैं तीन बॉन्ड के बारे में शॉर्ट में आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं दे रहा हूँ केमिस्ट्री में आपको, ये डिटेल में होगा। कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे हम, जैसे कि वैलेंसी होती है आपको पता है, आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन की कमी होंगी या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की कमी और ज्यादा थी किसी एडजेसेंट मॉलिक्यूल एडजेसेंट सब्सटेंस और एटम के साथ वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, और शेयर होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ये बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये वीक बॉन्ड होते हैं, वाटर के जो हाइड्रोजन से उनमें जो बॉन्ड है उस टाइप के बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा वीक टाइप के होते हैं। आयोनिक बॉन्ड्स जो बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लो सोडियम क्लोराइड उसको पानी में डाल दिए Na प्लस Cl माइनस, तो उस पर क्या है, Na पर क्या है, प्रोटॉन है, Na प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है और Cl माइनस, ओके, तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं अपोजिट चार्जेस की वजह से, तो उस टाइप का जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। तो ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है, ये तीन अलग अलग टाइप के मैंने बॉन्ड यहाँ पर बताया जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्डिंग होती है, और ये इनका एंजाइम्स क्या है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से बहुत सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है और बहुत सारे बॉन्ड का डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, बॉन्ड्स ब्रेकडाउन भी हो रहे हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी का हिस्सा है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, ओके? तो ये कुछ बायोलॉजी से मैंने केमिकल केमिस्ट्री को थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश किया। अब सोडियम क्लोराइड का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में, आप भी सोचिए, मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आपके दिमाग में भी एक थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, क्या हो सकता है सोडियम क्लोराइड का इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का जो इंपॉर्टेंट है, ये है हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर और सॉल्ट का स्पेसिफिक बैलेंस हमारे बॉडी में मेंटेन होना बहुत जरूरी है, उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक बैलेंस। रिस्पेक्ट टू टॉपिक में बहुत डिटेल में मैं ये डिस्कस करूंगा पॉइंट, और उसके लिए दूसरा एक वर्ड है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एक दूसरा वर्ड है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज नथिंग बट अ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके? उसके बाद सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, सोडियम जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारे मेम्ब्रेन्स के फंक्शनिंग के लिए, जो बहुत सारे मेम्ब्रेन्स में पोलारिटी होती है डीपोलारिटी होती है उसके प्रिंसिपल पे हमारे बॉडी में एक्टिविटीज होती है। ये थोड़ा सा बॉन्ड्स जा रहा होगा, थोड़ा सा एडवांस हो रहा होगा, लेकिन जब मैं फिजियोलॉजी के चैप्टर बताऊंगा बच्चों आपको तो और भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए बहुत सारे टर्म अगर बहुत हार्ड जा रहे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उतना एडजस्ट कर लो बच्चों, ठीक है? आगे हम उसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये सोडियम क्लोराइड ये गैसेस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, मतलब जो बाइकार्बोनेट आयन्स है जिसके साथ हमारे CO2 कंबाइन होते हैं तो उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे। ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन HCl भी फॉर्म करता है, और ये HCl क्या है, हमारा एसिड है, एसिड ऑफ स्टमक। ये जो HCl है हमारे एसिड है स्टमक का, और ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्पेसिफिक अमाउंट में, तो ये HCl फॉर्म करने में भी सोडियम क्लोराइड हेल्प करेगा। और बॉडी में जो फ्लूइड का प्रेशर है, स्पेसिफिक जो फ्लूइड है हमारे बॉडी में, वो फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का एक अपना इंपॉर्टेंट है। इसको हम हर फिजियोलॉजी के टॉपिक में प्लांट की हो या इवन एनिमल की हो इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वाटर का इंपॉर्टेंस। अब बच्चों वाटर का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है हमारे बॉडी में, वाटर का जो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को हेल्प करना। जो हमारे बॉडी में एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है तो ये एंजाइम्स के एक्टिविटी को ये वाटर क्या करता है, एनहांस करता है। मतलब ये वाटर
कोई भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखिए ना, आप खुद समझिए, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं बहुत सारे, तो वे वाटर के प्रेजेंट में होते हैं, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, पानी मत लगने दो जख्म को, अगर पानी लग गया तो वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब ये पानी क्या कर रहा है, जिंदगी को वजूद दे रहा है। बहुत सारे लोअर क्लासेस में आपने स्टेटमेंट भी देखा होगा, वाटर इज नथिंग बट अ लिक्विड ऑफ लाइफ, पानी ही जिंदगी है, ऐसे बहुत सारे टर्म आपने सुने होंगे। तो ये वाटर क्या करेगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। वाटर की अगर बात की जाए तो हमारे सेल का 90% कंस्टिट्यूएंट ये वाटर है। हमारी बॉडी लेवल पे अगर देखा जाए तो बॉडी का 70% कंस्टिट्यूएंट ये क्या है, वाटर है। तो ऐसे बहुत सारे वाटर के इम्पोर्टेंस है। वाटर के अगर इम्पोर्टेंस पे बात की जाए तो हमारा ये बोट कम पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा वाटर का हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इन्हेंस करने के लिए बच्चों वाटर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये एक टॉपिक है बायोलॉजिस्ट स्टडीज, मतलब आपको ये 2 सालों में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी के 38 चैप्टर को किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखने वाले हो, ये मैं यहाँ पर आपको अभी बता रहा हूँ। आपके बायोलॉजी में जो 38 चैप्टर है, इन हेडिंग्स के अंडर में ही वो चैप्टर है, इन्हीं हेडिंग को हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में। आगे आप स्पेसिफिक अगर कोर्स कर रहे हैं, बीएससी के बाद एमएससी कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको एमएससी करना होता है, या फिर आप मेडिकल के कोई फील्ड में जा रहे हैं तो आपको कोई एक ब्रांच लेकर उसी को डिटेल में पढ़ना है, और एक पर्टिकुलर चैप्टर लेके उसी को डिटेल में उसमें पीएचडी करना है। अरे बस समझ लो, तो अगर आप पढ़ाई की बात की जाए, अगर प्रोफेशन की और स्टडीज की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा वास्ट है ये सब्जेक्ट। बायोलॉजी इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी मतलब कितना वास्ट सब्जेक्ट हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। ठीक है, तो पहला इसमें हेडिंग है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करेंगे, हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे जिसको हम आंख से देख नहीं सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स मतलब क्या, अगर पूरी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ह्यूज डायवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए, इन ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए, इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना भी तो जरूरी है बच्चों। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, रेस्पेक्टिव टॉपिक में बहुत डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिस्टमैटिक में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, ओके, प्लांट की है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, किंगडम एनिमालिया है, एनिमालिया में फिर फर्दर अलग अलग फाइलम्स है, सब फाइलम्स है, बहुत सारा डिटेल में ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन है जो सिस्टमैटिक्स में बच्चों हम स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है कोई भी पार्ट का, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, आइदर प्लांट और एनिमल, अगर हम सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। एनाटॉमी, एनाटॉमी कोई भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर का, अगर हमने टीएस लिए, टीएस लेके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखे तो उसको एनाटॉमी। टीएस मतलब क्या, एक सिंपल एग्जांपल, घर में देखते हैं आप, आपके मम्मी खाना पकाते हैं, खाना पकाते टाइम आप बहुत बोर हो गए, और बोर होने के बाद आपने बोला मम्मी आज आलू के चिप्स बनाओ, तो मम्मी क्या करेंगे, ये जो हमारा आलू है, ये पर्टिकुलर आलू को मम्मी क्या करेंगे, सब पत्ते उसके चिप्स बनाएंगे, उसको पतला कट करेंगे, एक पर्टिकुलर पतले पार्ट को हमने लिया, पर्टिकुलर पार्ट को, वो चिप्स को एक लिया, उसमें स्पेसिफिक इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर जो हमको अलग अलग स्ट्रक्चर को शो कर रहे, इंडिकेट कर रहे, और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखने के बाद जो हमको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ, उस बेस पे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किए। तो इस तरीके के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडीज को प्यारे बच्चों हम एनाटॉमी कहते हैं। ओके, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो शाकेला है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। मतलब क्या कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स है,
और ये क्रोमोसोम कुछ नहीं बल्कि डीएनए है। ये क्रोमोसोम डीएनए होते हैं बेसिकली। इन डीएनए की डिटेल स्टडी जीन्स के लेवल पे जो हम करते हैं उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। रेस्पेक्टिव टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में ये टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। बस इतना याद रखो कि जो जीन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद है फाइलोजेनेसिटी। फाइलोजेनेसिटी मतलब इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस मतलब ऑर्गेनिजम्स का जो डेवलपमेंट हुआ, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने और ये जो ह्यूज डाइवर्सिटी दुनिया में देखने को मिलती, तो ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये जो डाइवर्सिटी हुई, कैसे हुई, ये हम डायरेक्टली फाइलोजेनेसिटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैलियोलॉजी मतलब जो जमीन में बहुत सारे पुराने ऑर्गेनिजम्स दफन पड़े हैं उनकी स्टडी को हम बोलेंगे पैलियोलॉजी। इसमें बहुत सारे रिसेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज हो सकते हैं, बहुत सारे कार्बन के आइसोटोप्स यूज करते हम इसमें आइसोटोपिक टेक्निक से एज मालूम करते हैं उस पर्टिकुलर सैंपल की। ठीक है, इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो कोरिलेशन है उसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट की स्टडी, सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडीज को, उनकी जो है तो कोरिलेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर एरिए के उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी पढ़ते हैं। डिटेल में देखेंगे रेस्पेक्टिव टॉपिक में। मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी मतलब जो समुद्र के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को मरीन बायोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब क्या, जैसे हमने एनाटॉमी में क्या किया, एक सेल का टीएस लिया, तो हिस्टोलॉजी में एक पर्टिकुलर टिश्यू का टीएस लेंगे और वो टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन के फंक्शनल स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी मतलब सेल की स्टडी, साइटो मतलब सेल, लॉगस मतलब स्टडी। बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या, जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की केमिकल्स की स्टडी करेंगे, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल्स होंगे उन केमिकल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। एक्सोबायोलॉजी ये बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। इसमें आप अगर आपका अगर बायोलॉजी में आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप इसमें भी आगे कुछ कर सकते हो। एक्सोबायोलॉजी मतलब ये दुनिया से हट के कोई दूसरे प्लैनेट पे ऑर्गेनिजम्स को तलाश करना और उन ऑर्गेनिजम्स के मिलने के बाद फिर उसकी स्टडी करना। अभी तक तो कोई मिला नहीं, लेकिन ऐसा मूवीज वगैरह में देख के आपके एलियन वगैरह होते हैं जो बाहर के प्लैनेट्स से यहाँ पर आते हैं, तो उन पर्टिकुलर एलियंस के बॉडी की और उनके ऑर्गन्स की स्टडी को एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कोई बाहर से ऐसे सैंपल मिला नहीं दूसरे प्लैनेट पे। ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, कायनात अब तक हम पूरी कायनात समझ भी नहीं सके, तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट होंगे जहाँ पर शायद लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वजूद हो। अगर ऐसा होता है, वो ऑर्गेनिज्म से हमारा कांटेक्ट होता है, तो उनकी जो स्टडी करेंगे हम, तो उसको एक्सोबायोलॉजी में हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद इथोलॉजी। इथोलॉजी मतलब कोई भी एनिमल का बिहेवियर की स्टडी करना, उसके मूड की और उसके नेचर की और उसके बेसिक बिहेवियर की स्टडी करना, उसके जेनेटिक्स की स्टडी करना, वो इथोलॉजी में आएगा। ऐसे और भी बहुत सारे बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं जिसमें हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। आगे जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकली हम डेथ किसको बोलते हैं, उसको उर्दू में मौत का फलसफा कहते हैं, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और उसके बाद डायरेक्टली हम एनसीईआरटी में जंप करेंगे और एनसीईआरटी का सेल यूनिट हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझे पूरा बायोलॉजी। तो बेसिक यूनिट सेल से हम इसके बाद एक लेक्चर और वो एक लेक्चर होने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जंप कर देंगे हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं। सेफ रहिए, घर पर रहिए और सेल्फ स्टडी करिए और मुझे ग्रुप में क्वेश्चंस करिए, दूसरे भी टीचर्स को ग्रुप में क्वेश्चंस करिए और थोड़ा सा स्टडी के लिए वक्त भी निकालिए। ठीक है, अब तक जो डिस्कशन चल रहा था वो कोई स्पेसिफिक बुक का रेफरेंस नहीं था, बेसिक बायोलॉजी में मेरे हिसाब से नोट्स बना रहा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए 38 चैप्टर। इसके बाद लास्ट लेक्चर रहेगा बेसिक बायोलॉजी का और उसके बाद जंप करेंगे हम डायरेक्टली एनसीईआरटी में। ओके, अपना ख्याल रखिए,
स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ।